स्ट्राइक इसलिए हो रहा है ना कि बहुत तकलीफ है टैक्सी वालों को, हमें भाड़ा नहीं मिल रहा है और हमको काफ़ी हमारी रोजी रोटियां छीनी जा रही हैं जो उद्योगपतियों द्वारा डाली हुई गाड़ियाँ। परमिट गाड़ी का मतलब होता है इनको जहाँ से ये लोकल नहीं चल सकते, इनको जहाँ जाना है आउटसाइड, इनको इससे पहले आरटीओ से परमिशन लेना पड़ता है। रोज के सारा भी उबर का केस परसों हुआ है मुंबई में, उबेर ने क्या किया, उसका आईडी ब्लॉक कर दिया, बोला मेरी जिम्मेदारी खत्म। अगर यही हमारी गाड़ी होती, ड्राइवर गिरफ्तार होता, परमिट होल्डर गिरफ्तार होता, उसका फैमिली का जाता, क्योंकि हमारी पूरी हमारा पूरा बैकग्राउंड गवर्नमेंट के पास है, इनके पास क्या है होंगे। आज उबेर की वजह से कितने गरीबों के पेट भर रहे हैं, बात पैसे की नहीं, बात की नहीं, बात अच्छी सर्विस दे रहा है उसका पेट भर रहा है, लोग उससे सहमत हैं उबेर से, लोगों में कोई खराबी नहीं, लोग बोलते हैं हमको उबेर बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है, हम घर पे नहा धो के तैयार रहते हैं, हमारे यहाँ गाड़ी आ जाती है, लेकिन हमको टैक्सी लाने के लिए हमको नीचे जाना पड़ता है, नीचे जाने के बाद हमको टैक्सी अवेलेबल मिलती नहीं है। अगर हमको करीब जाना है तो बोले कि हम खाली नहीं है, हमको इतना चाहिए, 900 रुपया चाहिए, 1000 चाहिए, तो हमारे उबेर में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। टैक्सी वाले क्या है, वहाँ जाते हैं 800 रुपये लेते हैं, वहाँ से उनको ये होता कि खाली आना है, लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है कि हम 400 में भी जाते हैं तो हमको 400 आने का रिटर्न भाड़ा मिलता है। ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं कि बाहर की गाड़ियाँ ना चले, और हम इसके बाद जब ये गाड़ी बंद हो जाएगी उसके बाद हम टैक्सी में अपना मनमानी मुँह पैसा मांग के चलाएंगे, पब्लिक कहाँ जाएगी, पब्लिक को आना पड़ेगा, और ये इनका गुंडागर्दी है। सरकार से हम निवेदन करेंगे कि इनका गुंडागर्दी खत्म करें, हर इंसान को हक है कमाने खाने का। नहीं सर, खुद की गाड़ी भी रहेगी तो भी आप जहाँ भी सिटी में गए हैं वहाँ से आपको घर आना रहेगा, और रिफ्यूजिंग का मेन मतलब शाम को है, इनका 1 किलोमीटर पे 60 रुपया से 80 रुपया है, हमारा 1 किलोमीटर पे 15 रुपया है, स्टार्टिंग पॉइंट 22 रुपया है, ये 80 रुपया इनको मिल रहा है, कंपनी 240 और दे रही है, इनका 350 हो रहा है, 350 ये 2 किलोमीटर पे ले रहे हैं, कभी रिव्यू नहीं करेंगे, 22 मिल रहा है, अब हमको सिर्फ 22 मिल रहा है, वो भी पसेंजर उतर जाएगा ट्रैफिक देखे, हमको 60 में खाली जाना है और वापस खाली आना है, हमें वो प्रॉब्लम नहीं, हमारा धंधा ये पूरा का पूरा लोकल धंधा इन्होंने ले लिया है। हमारा रेट गवर्नमेंट ने खुद हकीम कमेटी बनाई हुई है, वो हमारा रेट तय करता है, न कि हम करते हैं, गवर्नमेंट हमारे को रेट देती है, हर बरस हमको आरटीओ के पास खड़े होकर अपना मीटर पास लाना पड़ता है कि तुम यही रेट में चल रहे हो कि कौन से रेट में चल रहे हो, उसमें हमारी गलती क्या है, और हम लोग का नहीं सुन रहे भाई, सरकार ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े मिनिस्टरों और बड़े माने अमीर आदमी की सरकार है, ये ओला उबेर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों की सरकार है, ये उनके हिसाब से अपना नियम कानून फॉलो करेंगे, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं है, रिक्शा टैक्सी वाले भूखे मर जाएं उनसे मतलब नहीं है। अभी कोर्ट के द्वारा हम इनके साथ लड़ाई चालू किए हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला आते आते हम ख़त्म हो जाएंगे। टाइम लगता है, बहुत लंबा टाइम सर जी लगेगा, आप कोई भी कोर्ट का डिसीजन देख लीजिए वो 20 साल लग जाएगा। कि कोई अरबपति बाप है, अरबपति बेटा बहुत कमा रहा है तो उसके लिए अलग कानून है, कोई गरीब लड़का है उसके लिए अलग कानून है, एक गवर्नमेंट है उसके लिए सब बराबर होना चाहिए, जैसा हमारे साथ हो वैसा उनके साथ भी करो, किसी को पैसा है या तो आप लोग पैसा ले रहे हो, क्या बात है, आप उसके ऊपर नियम कानून क्यों नहीं लगा पा रहे हो।